गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीछे हमने जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनकी सहायता से कुछ सवालों में तो हमने उनके मान निकाले थे व्यंजकों के, और कुछ सवालों में हमने x का मान निकाला था। उसी में आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और उससे आगे वाले, जिसमें हमें क्या करना है, उस सिद्ध करना है कि ये वाली साइड है वो बराबर है ये वाली से। जो बराबर के लेफ्ट साइड में होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, जो बराबर के राइट साइड में होती है उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो इसको हमें हल करना है, तो हमने ये आंसर लगाया। सबसे पहले जिस साइड को हम हल कर सकते हैं वो साइड लेते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को हल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके फिर हाथों हाथ ही ऐसे नहीं लिखना कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए या लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, सीधा लेफ्ट हैंड साइड ले और बराबर का चिन्ह लगाओ और जो साइड है वो लिख दो। कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटा आपका आ गया 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अब क्या करना है, अब देखो हमें यहाँ साइन का मान चाहिए और कोस का मान चाहिए। हम अपने पुराने तरीके से क्या करेंगे, वापस से वो टेबल बना लेंगे। देखो पहले हम बनाएंगे साइन के लिए, साइन थीटा। तो साइन के लिए हमने लाइन याद रखी है, पहला मान है आपका 0, दूसरा है 1/2, अगला है 1/√2 और अगला है √3/2 और उससे आगे 1। जो 0 है वो 0 डिग्री के लिए, ये 30 डिग्री के लिए और ये 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए। जब हम कोस का मान ज्ञात करेंगे तो कोस थीटा, तो इधर उल्टी साइड से लिखना स्टार्ट कर दो। तो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ये किस प्रकार से आता है वो सारी बातें हम पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं आपको। अब हमें टेन के मान की इस सवाल में तो नहीं है, लेकिन टेन के मान की भी ज़रूरत पड़ेगी, टेन थीटा। तो हम आपको बता दें कि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी साइन वाले मान में कोस वाले मान का भाग दे दो तो रिजल्ट आएगा वही हो जाएगा। जैसे हमें ये 0 डिग्री के लिए है तो साइन 0/cos 0, इस प्रकार से मान निकालेंगे तो यहाँ मान आ जाएगा 0। अब इसमें इसका मतलब साइन वाले मान में कोस वाले मान का भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 1/√3। 1/√2 में 1/√2 को भाग देंगे सेम में, सेम संख्या का भाग दे तो चलो। फिर √3/2 में 1/2 का भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, आपका यहाँ आ जाएगा √3। 1 में 0 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा आपका अनंत। इस प्रकार से मान हमें प्राप्त होता है। तो हमने क्या किया, साइन कोस टेन सब के लिए मान ज्ञात कर लिए। अब क्या करना है, अब ये मान रखना है अपने को यहाँ। तो देखो मान की जिसकी ज़रूरत है उसको वो मान रखो, हमें एक तो कोस 30 के मान की ज़रूरत है, तो कोस 30 का मान है √3/2 बोल दो, √3/2 प्लस साइन 60, साइन 60 का मान भी √3/2 है तो √3/2, फिर ये आपका बट्टा हो गया। फिर एक है ये प्लस फिर कोस 60 का मान, तो कोस 60 का मान है 1/2, 1/2 प्लस साइन 30 का मान, साइन 30 का मान भी 1/2। हमने ये सारे मान लिख लिए, अब हल करेंगे तो ऊपर ऊपर लघुत्तम आ जाएगा, नीचे वाले का नीचे लघुत्तम आ जाएगा। तो देखो ये आपका मेन बट्टा हो गया, ऊपर हमने लघुत्तम लिया तो हमारा लघुत्तम आया 2, तो ये हो जाएगा आपका √3 प्लस का √3। अब बट्टा के नीचे हमने लघुत्तम लिया तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक मान लो। यहाँ देखो बट्टा में 1, 2, 2 है तो इनका लघुत्तम आएगा 2। जब 1 का 2 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 2 का 2 में भाग दिया तो 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, फिर 2 का 2 में भाग दिया, 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा किया तो 1। अब इस 2 से आपका ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो √3 और √3 कितना आ जाएगा, सेम सेम है, जब सेम सेम संख्या जोड़ी जाती है तो वो दुगुनी जाती, जितनी है उससे दुगुनी हो जाएगी। तो 1 था तो 2 हो गया, नीचे देखो 2 और 3 4, ये 4 हो गया। अब यहाँ से इसमें भाग लग जाएगा तो भाग देंगे, 2 का भाग लगा तो ये आ गया आपका √3/2। और देखो हमें √3/2 ही सिद्ध करना है, तो यही आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया, ये हमारा क्या हुआ, सिद्ध हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें भी हमें सिद्ध करना है। तो हमें इस साइड में दिया हुआ है 4 cot² 45° माइनस sec² 60° माइनस sin² 30° बराबर माइनस का 1/4 लाना है। तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर के लेफ्ट वाले साइड वाला उसको हल कर सकते हैं, तो वो साइड लिखते हैं उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो ये हो गया आपका 4 cot² 45° माइनस sec² 60° माइनस साइन स्क्वायर 30° मान लीजिए। अब इनका हमें क्या करना है, मान रखना है।
मान किस प्रकार रखेंगे, देखो सारे मान हमने निकाल रखे हैं यहाँ पे, तो हमें चाहिए कोट 45 का स्क्वायर, तो कोट 45 चाहिए। कोट 45 क्या होता है, टेन 45 का उल्टा, तो देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री का। कोट 45 का मान एक है, एक का उल्टा एक होता है, तो ये आपका आ जाएगा 4 गुणा 1। कोट 45 का मान एक होता है, एक का स्क्वायर, माइनस फिर सेक स्क्वायर 60। सेक स्क्वायर 60 का मतलब हो गया सेक 60 का होल स्क्वायर, और सेक 60 होता है कोस 60 का उल्टा, तो कोस 60 का उल्टा कर दो, तो कोस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का मान होता है 1/2। 1/2 का उल्टा कितना होता है आपका, 2 होता है, तो ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर। माइनस फिर साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब हो गया साइन 30 का उल्टा करके इसका स्क्वायर करना, सॉरी साइन 30, या तो साइन 30 का सीधा ही मान रख दो, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो साइन 30 का मान हो गया 1/2, और उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। हमने सारे मान रख लिए, अब हम इसको हल करेंगे। तो देखो यहाँ तो आ गया 4 - 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4। ये प्लस का 4, ये माइनस का 4, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, केवल ये बचा, तो आपका माइनस का 1/4 बच गया। देखो हमें यही लाना था, और तो ये आपकी हो गई राइट हैंड साइड। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी कम्प्लीट हो गया। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जो हमें दिया गया है। अब देखो इसमें बराबर के लेफ्ट साइड और बराबर के राइट साइड दोनों में, दोनों को हम हल कर सकते हैं, दोनों को हल कर सकते हो, दोनों में से कोई एक साइड लो और दूसरी साइड प्राप्त कर लो, या दोनों साइड को हल करना पड़ेगा फिर आपको आंसर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो आंसर लगाया तो आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो 4 sin 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री और 10 45 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इसका मान लेते हैं, तो 4 तो ऐसे रह गया, साइन 30 का मान चाहिए, तो साइन 30 का मान जो अभी भी टेबल तैयार की थी उससे लगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2 गुणा फिर साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 ये रहा, 3/2 का स्क्वायर कर दो, तो 3/2 का स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह आ गया, फिर 3 गुणा cos 60, cos 60 का मान यहाँ से निकाल लो, cos 60 का मान 1/2 हो गया, तो 1/2 गुणा 10 45, 10 45 का मान ये रहा, इसका मान हो गया 1। अब इसको हल कर लो, तो बराबर यहाँ इसका भाग लग गया, तो आ गया आपका 2 गुणा √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस ये हो गया आपका 3/2, एक से गुणा होते ही इतने आएगा। अब 2 का भाग फिर लग गया, तो ये हो गया आपका 3/2 प्लस का 3/2, तो इन दोनों से लघु तुम्हारा आपका 2, 2 का 2 में भाग दिया, एक बार गया, एक को 3 से गुणा किया 3, प्लस 2 का 2 में भाग दिया, एक बार गया, एक को 3 से गुणा किया तो 3, तो ये हो गया आपका 6/2। अब इस 6 में 2 का भाग दिया तो आ गया आपका 3, ये हुआ आपका लेफ्ट हैंड साइड। और ये हमारा राइट हैंड साइड में नहीं प्राप्त नहीं है, और लेफ्ट हैंड साइड को इससे ज़्यादा हम हल कर नहीं सकते, इसका मतलब हमें राइट हैंड साइड को भी हल करना पड़ेगा। तो आप इस लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे बॉक्स में बंद करो, इसको समीकरण नंबर दे दो 1। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड ले ओ, ये लिया बराबर का चिन्ह लगाया, राइट हैंड साइड लिख दी, राइट हैंड साइड है 2 sec² 45 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री, तो बराबर। अब इसमें रखते हैं मान, तो यहाँ sec स्क्वायर 45 डिग्री है, तो हमें sec 45 का मान रखना पड़ेगा, तो sec 45 का मान निकालना है, तो cos 45 का उल्टा कर दो, ऐसे यहाँ cosec स्क्वायर 90 है, तो cosec स्क्वायर 90 का मान निकालना है, तो cosec 90 का निकालो, और cosec 90 का निकालना है, तो sin 90 को क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो हम ये अपनी सारणी ले आए, जिसमें हमें देखो एक तो मान चाहिए हमें 2, तो ये हमने छोड़ दिया, गुणा sec 45 का चाहिए, तो sec 45 में cos 45 ये रहा, इसका उल्टा कर दो, तो 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, तो ये √2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ अपने को cosec 90 का मान चाहिए, तो जो sin 90 का मान कितना, एक एक का उल्टा कितना होगा, एक होगा, एक का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो हमने इस प्रकार से कर दिया, तो अब ये 2 गुणा √2 का स्क्वायर कितना आता है, 2 आता है, माइनस 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 आता है, 2 को 2 से गुणा किया 4 हो गया, 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3 बचा, ये आपका क्या है राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है, और यहाँ इसका मान 3 आया, और यही आपकी क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का मान भी कितना है, 3 है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें हमें दिया हुआ है cosec स्क्वायर 45 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री,
साइन क्यूब 90 डिग्री, कोस 60 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है, बराबर 4/3 हमें लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम हल कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये हमने आंसर लिया, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको हल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आपका कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन क्यूब 90 डिग्री और कोस 60 डिग्री। तो अब देखो, हमें एक तो कोसेक 45 चाहिए क्योंकि उसका स्क्वायर तो बाद में कर लेंगे, और एक कोसेक 45 चाहिए तो कोसेक 45 कैसे आएगा, हम साइन 45 का उल्टा कर देंगे। एक हमें सेक 30 चाहिए तो सेक 30 कैसे आएगा, हम कोस 30 का उल्टा कर देंगे। एक हमें साइन 90 चाहिए, साइन 90 का सीधा मान प्राप्त हो ही जाएगा। एक हमें कोस 60 चाहिए, कोस 60 का भी सीधा मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम रखते हैं मान, तो हमने जो पुराने मान निकाले थे हमने इसकी सहायता से मान रखते हैं। तो हमें चाहिए कोसेक 45, तो साइन 45 का मान 1/√2 है, तो उसका स्क्वायर कितना हुआ, √2 का स्क्वायर। फिर गुणा, हमें चाहिए सेक 30, तो सेक 30 होता है कोस 30 का उल्टा, तो कोस 30 का उल्टा हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, जो सेक 30 कोस 30 का उल्टा हो गया। फिर गुणा, फिर हमें चाहिए साइन 90 का मान, साइन 90 का मान 1 है तो 1 का क्यूब। गुणा, फिर हमें चाहिए कोस 60, कोस 60 का मान होता है आपका ये रहा 1/2, तो हमने ये 1/2 रख दिया, ये मान आ गया अपने पास। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो देखो, √2 का स्क्वायर होता है 2, गुणा यहाँ जाएगा 2 का स्क्वायर 4/3, फिर गुणा यहाँ आ जाएगा आपका 1 का क्यूब, 1 होता है लिखने की जरूरत नहीं है, फिर 1/2, 1/2 हो गया। अब 2 से आपका 2 कट गया तो 4/3 बच गया, तो हम इसको इधर लिख देते हैं। तो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड है वो 4/3 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर 4/3। और जो हमें सिद्ध करना था उसमें राइट हैंड साइड में यही था, तो इसको हम लिख देंगे राइट हैंड साइड। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, उसका सॉल्यूशन हो गया। अब देखो, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें भी हमें सिद्ध करना है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम हल कर सकते हैं। तो दोनों को हल कर सकते हो, जब ऐसी स्थिति है जब दोनों को हल कर सकें तो एक साइड ले और उसको हल करो, अगर दूसरी साइड प्राप्त होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो फिर दूसरी साइड और ले उसको हल करके दोनों मानों को बराबर दिखाना होता है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो आंसर आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बट्टा साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है, हमें ये मेन बटा आपका लगाया साइन 60 का और साइन 30 का मान रखना है, जो हम पीछे निकाल चुके हैं। तो साइन 60 का मान तो है √3/2 और साइन 30 का मान है 1/2, ये मान हम रख देंगे। तो साइन 60 की जगह तो हम रख देंगे √3/2 प्लस साइन 30 की जगह रख देंगे हम 1/2, यहाँ भी आ जाएगा आपका √3/2 माइनस 1/2। अब देखो, दोनों बराबर के अपने मैं जो मैन अनुपात है उसके ऊपर भी बट्टा में है और नीचे भी बट्टा में है, तो हम क्या करते हैं ऊपर वाले साइड लघुत्तम लेते हैं। तो ऊपर वाले साइड देखो, दोनों में बट्टा में 2 है तो 2 लघुत्तम आ जाएगा, तो यहाँ आ गया आपका √3 + 1, नीचे वाले साइड भी 2/2 है तो 2 लघुत्तम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 - 1। तो अब 2 से आपका 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो बचाएगा आपका √3 + 1 और नीचे बचेगा √3 - 1। इसको इतना ही छोड़ देते हैं, आगे सोल्व नहीं करते हैं। तो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड है, अगर हमें मान निकालना होता तो इसको इतना ही नहीं छोड़ते, हम क्या करते इसका परिमेयकरण और करते, परिमेयकरण करते, नीचे वाले √2 उठाते, उसके बाद में जो आंसर आता वो अपना मान होता। लेकिन हमें सिद्ध करना है तो हमें इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, इसी से शायद अपना आंसर आ जाएगा। इसका समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड बराबर हो गया आपका tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बट्टा tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। अब tan क्या है, तो tan 60 का मान और tan 45 का मान, तो हम आपको बता देते हैं tan 60 का मान तो √3 है और tan 45 का मान कितना है, 1 है, ये मान हम रख देंगे। तो बराबर tan 60 का मान तो √3 + tan 45 का 1 बट्टा tan 60 का मान √3 - tan 45 का मान 1,
और ये कहिए देखो अपना समीकरण नंबर एक है, तो समीकरण एक से तो हम कह सकते हैं कि आपका राइट हैंड साइड है, तो इसकी जगह मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख सकता हूँ, वो किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के साथ। इसी प्रकार आपका क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व हो गया।